चाहे कोई खुश हो चाहे गालियां हजार दे, मस्त राम बनके जिंदगी के दिन गुजार दे। चाहे कोई खुश हो चाहे गालियां हजार दे, अरे मस्त राम बनके जिंदगी के दिन गुजार दे। चाहे कोई खुश हो चाहे गालियां हजार दे, अरे मस्त राम बन के जिंदगी के दिन गुजार दे। पीके दांत ली करूं तो मुझको जेल भेज दो, मधुबन के आंगन में एक बार बहुत सारी दादियां बैठे थे और मधुबन निवासियों ने मिलकर अलग अलग रंगीन पोशाक पहनकर इस गीत पर डांस किया था। चाहे कोई खुश हो चाहे गालियां हजार दे, मस्त राम बनकर जिंदगी के दिन गुजार दे। उसके बाद में निर्वर भाई साहब ने इस गीत की थोड़ा विस्तार इतिहास भी सुनाया था। तो ब्राह्मण जीवन अर्थात गाने का जीवन, खुशियों का जीवन, नाचने का जीवन, हंसने का जीवन, निरंतर पैरों में क्या बंधे हो, कौन से घुंघरू, नथिंग न्यू के घुंघरू, कौन से घुंघरू, नथिंग न्यू के घुंघरू बंधे हो और आत्मा नाचती रहे, चाहे कुछ भी होता रहे दुनिया में संसार में। बाट के जो खाए उस पे दिलो जान लुटा, जो बचाए माल उसको जूतियों का हार दे। चाहे कोई खुश हो चाहे गालियां हजार दे, जिंदगी के दिन मस्त राम बन के गुजार दे। कल संडे की अव्यक्तवाणी, चार प्रकार की आग, कौन कौन सी, विनाश की,
दूसरा विकार की, तीसरी तीसरी ममता की, चौथी पश्चाताप की आग। तो बाबा ने शीतलता की शक्ति का विस्तार किया। सात बातें करती है शीतलता की शक्ति, कौन कौन सी, क्या क्या करती है शीतलता की शक्ति? सबसे पहला, जो क्रोधित है और जो उल्टे नशे वाली आत्मा है उसको शीतल कर देती है, एक। दूसरा, अहंकार वश मैं करने वाली आत्मा क्या करने लगती है? बाबा बाबा कहने लगती है। तीसरा, सत्यता की शक्ति को सिद्ध करने का भी साधन क्या है? शीतलता की शक्ति। अगर ये ना हो तो लोग कहेंगे सत्य नहीं, तुम सिद्ध नहीं, ये तुम्हारी जिद है। चौथा, शीतलता की शक्ति अर्थात आत्मिक स्नेह की शक्ति है, इससे तुम आत्माओं को योग्य बनाओगे और योग्य आत्माएं फिर योगी बनेगी और सत्यता की शक्ति को जानेगी। पांचवा, विचार संकल्प की स्पीड तेज अगर है तो क्या होगा, एक्सीडेंट, कंट्रोल नहीं। और शीतलता की शक्ति है तो विचार संकल्प बोल संपर्क सब स्थिर शांत शीतल रहेगा, एक्सीडेंट नहीं होगा, व्यर्थ नहीं होगा, कंट्रोल में रहेंगे। छठवां, जब शीतलता की शक्ति है तो क्या होगा, छाया है, जैसे वृक्ष छाया देता है वैसे सहयोग की छाया, सहयोग की छाया आत्माओं को मिलेगी। छींटे डालो क्या बन जाओ, शीतलता की देवी, शीतला देवी बनकर शीतलता का वरदान आत्माओं को दो। उसके लिए स्वयं किसी भी सेक से, आग की सेक से परे रहे अवस्था, नहीं तो आग आग को पकड़ेगी। और सातवां, चार प्रकार की आग, शीतलता की शक्ति क्या करती है, इससे बचाती है। तो सबसे पहली आग थी विनाश की आग, और विनाश की आग से बचने का साधन निर्भयता। एक तरफ विनाश होगा, एक तरफ कौन से नजारे होंगे, साक्षात्कार के नजारे होंगे। उधर लोग कहेंगे हाय मरा, और तुम क्या कहोगे, मीठे घर गया, मीठे राज्य में गया। और यहां पर बाबा ने कहा क्या करो, पैरों में तुम्हारे क्या है, नथिंग न्यू के घुंघरू। तो आज हम चर्चा करेंगे नथिंग न्यू के घुंघरू पर। नथिंग न्यू अर्थात कुछ भी नया नहीं है। स्वामी विवेकानंद जब बहुत छोटे थे, नरेंद्र, उन्होंने अपने पिता से एक प्रश्न पूछा था, मुझे कुछ ऐसा बताओ जो जीवन भर मेरे काम आएगा। उनके पिता ने कहा था, एक बात हमेशा याद रखना जीवन में, डू नॉट बी सरप्राइज एट एनीथिंग। इस संसार में, इस जीवन में कुछ भी होता है, आश्चर्यचकित नहीं होना, बस इस बात को याद रखना। कोई भी बात, कोई भी दृश्य देखने के बाद आश्चर्य से नहीं भर जाना, यही एकमात्र राज है सदा खुश सदा सुखी रहने का। तो नथिंग न्यू के घुंघरू बांधो और क्या करो, नाचो गाओ। मनुष्य अपने सिर पर बोझ लेके चलता है। एक व्यक्ति एक साधु के पास जाता है, पूछता है मुझे सुखी होना है, राज बताओ क्या करो, बहुत दुखी हूं, संसार गृहस्थ पत्नी बच्चे जिम्मेदारियां नौकरी रिश्ते नाते संबंधी कड़वाहट दूरियां तनाव पैसे धन संपत्ति वैभव अभाव, इन सब के जंजाल में मैं खो गया हूं, मुझे कुछ मार्ग बताओ। वो साधु कहता है मैं कहीं जा रहा हूं, तुम भी मेरे साथ चलो, और उसको साथ ले चलता है। चलते चलते उस व्यक्ति को साधु कहता है, ये जो बड़ा सा पत्थर है
इसको उठा लो। और वो व्यक्ति बड़ा सा पत्थर उठाकर साधु के साथ चलता है। बहुत देर तक चलते चलते वो कुछ बात नहीं करते, परंतु अब उस व्यक्ति का हाथ दुखने लगता है, फिर भी सहन करते हुए चलता है चलता है चलता है। और एक समय ऐसा आता है कि वो कहता है कि अब मेरे से ये पत्थर नहीं उठाया जाएगा। वो कहता है रख दो। वो साधु कहता है तो नीचे रख दो। और जैसे ही नीचे रखता है तो उसको बहुत राहत महसूस होती है। वो कहता है साधु कि बस तुमको यही उत्तर चाहिए था, वो उत्तर मिल गया। यदि एक पत्थर हाथ में पकड़ा जाए एक घंटे के लिए, एक मिनट के लिए तो कुछ नहीं होगा, पर उसी पत्थर को यदि एक घंटे तक पकड़ के रखे तो क्या होगा? दर्द होगा। और कोई कहे सारे दिन भर पकड़ के रखो, और कोई कहे कि सारी उम्र भर ही पकड़ के रखो, तो जो बोझ है, जो दुख है, जो जीवन की चिंताएं हैं, जिसने उसे पकड़ के रखा है वो ऐसा ही दुखी रहेगा, उदास रहेगा। चिंता दुख की अवस्था है। जिसमें व्यक्ति एक पल भी चैन से नहीं बैठ पाता, बेचैन रहता है, वो कुछ भी हो सकती है, चाहे आध्यात्मिक पथिक ही क्यों ना हो या संसार का कोई व्यक्ति। इस संसार में जो कुछ हो रहा है कुछ भी हमें भारी कर सकता है, यदि व्यक्ति उसे पकड़ ले। जो घटनाएं हो रही है उनको पकड़ के रखने की आदत बोझ कर देती है, बोझिल बना देती है चित्त को। बोझ को रख देना, ये जो होल्ड करने की आदत है, होल्डिंग नेचर, पकड़ के रखने की आदत है चीजों को, व्यक्तियों को, वस्तुओं को। तीसरे प्रकार की आग कौन सी थी? ममता। किसकी ममता? व्यक्ति, संबंध और पदार्थ, ये भी एक आग है। इस आग से बचने की विधि, एक बाप को ही संसार बना लो। तो जहां बाप संसार है वहां व्यक्ति, संबंध और पदार्थ समाप्त। आग ही आग है संसार में। चार तो बाबा ने बताई, पर इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी आग है जो जल रही है। अपने ही जलाए हुए जहन्नुम में हर एक आत्मा जल रही है। कहां जल रही है? अपने ही बनाए हुए जहन्नुम में हर एक आत्मा जल रही है। वो आत्मा नैनम दहति पावक, जो आग से नहीं जलती पर विकारों से जलती है। कितनी अद्भुत बात है। आत्मा को आग नहीं जला सकती कोई आतिश, कोई आग आत्मा को स्पर्श नहीं कर सकती, परंतु क्रोध जलाता है, काम जलाता है, लोभ जलाता है, अहंकार जलाता है, ईर्ष्या जलाती है, घृणा जलाती है उसको। मोह की अवस्था बेचैनी की अवस्था है। किसी व्यक्ति में इतना मोह है, उसे कुछ होता है तो इधर हलचल होती है। तो चार प्रकार की आग में पहली आग विनाश की आग, क्या करो? निर्भयता की शक्ति। दूसरी आग ममता की आग, क्या करो? बाप ही संसार है। तीसरी आग विकारों की आग, क्या करो? अपने अनादि आदि स्वरूप उस वंश को उसमें स्थित हो जाए। और चौथी आग पश्चाताप की, ये मैंने क्यों कर दिया, मेरे से ऐसा क्यों हुआ, ये नहीं करना चाहिए था, ये श्रीमत के विरुद्ध है, ये श्रीमत का उल्लंघन किया, ये ब्राह्मण जीवन की मर्यादा नहीं है, नहीं थी, फिर भी मेरे से ये हो गया। आर्त भरी, दर्द भरी पुकार, पश्चाताप। क्या करो इसके लिए? बचने की विधि, साधन, प्राप्ति को सामने रखो। प्राप्तियों को क्या करो? सामने रखो। टीचर से मुलाकात में बाबा ने कहा कोई रोता तो नहीं है, कोई शिकायत तो नहीं है, अवगुण तो नहीं देखते हो, मूड ऑफ तो नहीं होता है, तो ये सारी बातें। तो ये कुछ बातें कल की मुरली से थी, पर आज हम कुछ और चर्चा करेंगे। जो कहा
नथिंग न्यू के क्या घुंघरू ये ड्रामा अद्भुत है. इस ड्रामा में जो कुछ हो रहा है एक्यूरेट है, परफेक्ट है, कुछ भी गलत नहीं हो रहा. ये अपने मन को बैठ के बताना, मन ही को समझाना. कल परसों मुरली थी, वो भक्ति में गाते हैं कौन सा भजन, भज गोविंदम. परसों था ना, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते है मूर्ख मन. क्या कर रहा है तुझे, करना क्या है और कर क्या रहा है, आए किस लिए थे और कर क्या रहे हैं. भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते हे मूर्ख मन, हे मूढ़ मन सुन, कर क्या रहा है तू, तुझे करना क्या था और तू कर क्या रहा है. अस्य ब्रह्माणि रमते चित्तम नंदति नंदति नंदत्येव भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते. मूर्ख मन, अपने ही मन को बैठकर समझाना एकांत में, ये किसी और के समझाने से नहीं समझेगा, इसे खुद ही बैठकर समझाना पड़ेगा कि ये ड्रामा क्या है, ये ड्रामा कैसा है. और इसमें ये जो नथिंग न्यू के घुंघरू बांधने के लिए बाबा का ने कहा है, क्या वो बंधे हुए हैं या फिर खुल जाते हैं या फिर टूट जाते हैं या फिर निकाल के ही रख देते हैं. हम चले तो आवाज आए घुंघरू होकर, मतलब खुशी, निरंतर खुशी, छम छम छम. तो इस ड्रामा में जो कुछ है उसमें कुछ भी नया नहीं है. तो हम ऐसी अपनी आंखों के सामने एक ड्रामा खड़ा करना है. हम दर्शक है बैठे और इस ड्रामा को अब देख रहे हैं. इस ड्रामा में ऐसी 16 बातें हैं जो सब नथिंग न्यू है. सबसे पहले एक्टर्स. ड्रामा में क्या दिखाई दे रहा है, एक स्टेज है जहां पर एक्टर्स दिखाई दे रहे. कोई भी एक्टर्स और उनके रोल, इसमें कुछ नया नहीं है. अचानक किसी एक्टर का रोल बदल गया, अभी तक दोस्त दिखाई दे रहा था पिक्चर में, बाद में पता चला ये है विलन. अभी तक सहयोगी था, दिखाई नहीं, समझ ही नहीं रहा था कि इसके हाव भाव से एकदम ही ड्रामा ने करवट बदली, सीन ही बदल गया. पता चला ये वही दगाबाज है, ये तो मित्र दिख रहा था अब तक, मित्र शत्रु, शत्रु मित्र, जिससे प्यार किया था उसी ने धोखा दे दिया. इस ड्रामा के हर एक्टर का पार्ट नथिंग न्यू, इसमें कुछ भी नया नहीं है. उसने कल पहले भी ऐसा ही किया था. कल्प अगर नहीं ठीक लगता है, दंबा लगता है तो थोड़ा कम कर दो. इसने बार बार ऐसा किया था, चलो कहो 10 बार ऐसा किया था, ये 11वीं बार है. तो सबसे पहले तो इस ड्रामा में जितने एक्टर्स है ये जो कुछ कर रहे हैं इसमें कुछ भी आश्चर्यचकित नहीं है. धक्का नहीं लगना चाहिए, हाँ इसने और ऐसा कर दिया. यहां हर एक वही कर रहा है जो उसे करना चाहिए और यहां हर एक वही जा रहा है जिस जहां उसे उसके हिसाब किताब खींच कर लेके जा रहे हैं. हर एक वहां अपने आप पहुंच जाता है जहां उसके हिसाब किताब है. जैसे दिखाया है एक राजा रात में स्वप्न देखता है कि मृत्यु ने आकर हाथ रख दिया और कहा कि मैं तुझे कल लेने आ रही हूं. घबरा गया, सभा बुलाई, मनीषी मंत्री ज्ञानी जनों को बुला, क्या करूं कैसे मैं बचूं. सब लोगों ने बहुत राय मशवरे दिए, ऐसा करो वैसा करो, यहां छुप जाओ वहां छुप जाओ. और टाइम वेस्ट हो रहा था क्योंकि शाम को मृत्यु ने कहा था मैं तुम्हें मिलने आ रही हूं. और एक बूढ़ा सा व्यक्ति बैठा था मंत्री, उसने कहा इन सब की बातें छोड़ो, मैं बताता हूं तुमको क्या करो, सबसे तेज घोड़ा ले लो और भागो, जितना भाग सके भागो, निकल जाओ यहां से दूर,
जहां पे मौत नहीं पहुंच सकी, वो कहती है यही है सही आदमी जिसने राय दी। और वो सबसे तेज घोड़ा लेता है और भागने लगता है घोड़े पर सवार, इतना दूर निकल जाता है अपनी राज्य की सीमाओं से पार, और एक स्थान पर आकर रुकता है, सोचता है कि बच गया, शाम हो गई है, और पीछे कोई हाथ रखता है। वो कहता है कौन? वो कहता है मैं मृत्यु, यही तो मैं तेरा इंतजार कर रही थी, और कमाल है तेरे इस घोड़े की, मुझे तो विश्वास ही नहीं था तुम यहां पहुंचोगे, और वो भी बराबर टाइम से, कमाल है तुम्हारी, तुम आ गए, अब चलो। रशिया में ओलेग नाम का राजा था, उसकी भी ऐसी एक कहानी है। जब जन्म हुआ तो भविष्यवाणी हुई कि एक घोड़े की वजह से इसकी मृत्यु होगी, और वो घोड़ा भी था। तुरंत राजा ने आदेश दिया कि इस घोड़े को मार दिया जाए, घोड़ा मर जाता है। ये राजकुमार बड़ा होता है, बड़े होने के बाद इसे पता चलता है ऐसी कहानी थी। वो कहता है मुझे उस घोड़े को देखना है, पता करना है क्या हुआ उसका, उसकी अस्थियां कहां है। और वो उस अस्थियों के पास पहुंचता है, और जैसे ही वहां जाता है अस्थियों को हाथ लगाते हैं, वहां से सांप निकलता है, उसको डस मार देता है। हर एक व्यक्ति वहीं पहुंच रहा है जहां उसके हिसाब किताब उसको लेके जा रहे हैं। इस ड्रामा में कोइंसिडेंस ऐसा कुछ नहीं है कि हम अचानक यहां आ गए, अचानक कोई नहीं आया है कहीं पर, बहुत प्लानिंग से पहुंचा है, ड्रामा प्लानिंग कर रहा है किसको कहां पहुंचाना, किसको कहां ले जाना। तो सबसे पहली बात नथिंग न्यू वाली, इस ड्रामा का हर एक्टर जो कुछ कर रहा है नथिंग न्यू, कोई इसे आश्चर्य नहीं होना, मेरी अपनी बहू इसने ऐसा कह दिया, ऐसा ही कहना चाहिए उसने, मेरा अपना बेटा ऐसा करता है, इसी के लिए तो जन्म लिया था उसने, पर उसके हाथ में जो तलवार थी जो तुमने देखी ही नहीं, बस प्यार करने में ही लगे रहे, पर तलवार लेकर आया था बचपन से, एक दिन सीधा घाव करने के लिए कलेजे पर, उसका अवतरण ही उसलिए हुआ था। इस ड्रामा का हर एक्टर और उसकी हर एक्शन, उसका रोल, उसका पार्ट, कुछ भी देखकर आश्चर्यचकित नहीं होना है, क्योंकि आत्माएं जो कुछ कर रही है, एक एक आत्मा के साथ उसका कर्म बंधन चल रहा है, एक एक आत्मा के साथ बहुत सारे हिसाब किताब चल रहे हैं, एक एक आत्मा क्या कितनी कितनी आत्माओं से और किस किस देश में और कहां कहां हिसाब है पता नहीं, बराबर खींचकर उसको वहां ले चले जाते हैं। इसलिए नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं है। तो ड्रामा में एक्टर्स, उसके बाद में बैकग्राउंड, जो बैकग्राउंड दिख रहा है ना, ड्रामा होता है ना बैकग्राउंड होता है, वो जो बैकग्राउंड है नथिंग न्यू। बैकग्राउंड में ये सीन क्यों है, वो वाला पहले वाला ही ठीक था, वही चाहिए हमको, ऐसा नहीं होगा, ड्रामा बना ही ऐसा है कि पीछे जो सीन जो चिपकाया जाता है ड्रामा में वो बदलेगा नहीं, हमको तो यही सेंटर अच्छा लगता है, हम तो यही रहेंगे, नहीं हमको तो इधर ही रहना है ये मधुबन में, नहीं हमको तो इसी स्थान पर रहना है, हमको तो यही सेवा चाहिए, हम इस सेवा को नहीं छोड़ना चाहते। कौन सी चाय? तो ये जो बैकड्रॉप है, बैकग्राउंड है, ये जो पार्श्वभूमि है, ये जो ड्रामा के पीछे जो पर्दा लगा हुआ है जिसमें सब दिख रहा है, वो भी नथिंग न्यू, आश्चर्यचकित नहीं होना है उसे देखकर, धक्का नहीं लगना चाहिए, ऐसा हो गया,
ऐसा कर दिया उसने। लोग कहेंगे ऐसे, हाय मरा, तुम कहोगे मीठे घर गया, मीठे राज्य में गया, एक आंख में मुक्ति, एक आंख में जीवन मुक्ति। तीसरा, भाषा। ये ड्रामा के एक्टर्स अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, टोन अलग अलग है, इसने मुझे ऐसे टोन में क्यों बोला, सीधा इधर वार कर गया। हम तो सेवा करने आए थे, इतना खराब बोला। बहुत हो गया, यहां का पाठ पूरा हुआ, बाबा हम तो चले अपने घर, दिल लगा के सेवा करो, और ऐसा ऐसा बोल दिया हमको, सारी दुनिया छोड़कर यहां ये सुनने के लिए आए थे। इससे अच्छा तो वो था, इससे अच्छा तो वो बाहर के लोग हैं अज्ञानी, कम से कम मीठा तो बोलते हैं। भाषा, टोन, बोलने का तरीका, शैली, ढंग, तरीका, आदर, सत्कार, तहजीब, किस ढंग से बोले जा रहे हैं शब्द, शब्द उच्चारण, वाणी से जहर टपक रहा है या अमृत। तो दूसरा नथिंग न्यू है, किसी के बोल। तीसरा, किसी के बोल, किसी के बोल को सुनकर आश्चर्यचकित नहीं होना, इसने ऐसा क्यों कह दिया, इसने वैसा क्यों कह दिया। एक माता ने इतनी सेवा की, 6 मास, जाने का समय आया, किसी ने बोल दिया, अच्छा खाए पिए और चल दिए, दुखी हो गई, घायल हो गया हृदय। कोई कुछ भी बोलने दो, हर एक बोल भी तो वही रहा है जो उसने कल पहले बोला था, हर एक बोल भी तो वही रहा है जो उसका ड्रामा में पार्ट है। दुखी थोड़ी ना होना है, और किसी के कुछ बोलने से कुछ होता है क्या, यदि हमारे अंदर वो चीज है ही नहीं तो किसको जो बोलना है बोलने दो। कोई कहे तुम बड़े ही अहंकारी हो, तो हमको बुरा लगेगा, अगर हम में है ही नहीं तो बुरा क्यों लगेगा, अगर हां है या कुछ और अवगुण है तो बुरा लग सकता है, पर यदि वो अंदर है ही नहीं तो जिसको जो बोलना है बोलने दो, फिर क्यों दुखी होना है। तो तीसरा, भाषा, भाषा की शैली, बोलने का तरीका, बोलने का ढंग। उसके बाद में स्टेज, चौथी बात, स्टेज नथिंग न्यू। एक तो स्टेज के पीछे का था, अभी स्टेज, स्टेज भी नथिंग न्यू। कभी स्टेज बहुत अच्छा सजा सजाया, कभी कभी बिल्कुल भी सजाया हुआ नहीं है, और शायद उस स्टेज पे हम ही हैं। कभी कभी रहने का स्थान बहुत अच्छा, कभी बिल्कुल ठीक नहीं, कभी 2 लोग, कभी 20 लोग एक कमरे में, एक हॉल में, एक की आदत ना मिले दूसरे से, एक को लाइट चालू चाहिए, एक को बंद, एक को खिड़की चालू, एक को बंद, एक को लाल चाहिए रात में, एक को पूरा अंधेरा चाहिए, एक को सफेद चाहिए, एक को ज्यादा देर बात करनी है मोबाइल से, एक को गाने सुनने, एक को क्लास सुननी, एक को बिल्कुल नहीं सुननी है, एक को 2 बजे उठना है, एक को 4 बजे उठना है, एक को तो उठने से मतलब ही नहीं है कोई, सेवा करने आए या ये तपस्या हम सबको मत बताओ, जिसको बनना है बाप समान बनो, ये हमारे बस के काम नहीं है, हम तो सेवा करेंगे बस, बाबा की सेवा, बस बाबा बाबा बाबा, सेवा सेवा सेवा, ये तपस्या और ये मुरली विरली क्लास और चिंतन हमको मत बताओ, ये तो टेंशन होता है ये सबसे। हमको आराम वाली ब्राह्मण जीवन चाहिए, एकदम शांत, सुबह उमृत वेला करो, फिर मुरली क्लास जाओ, दिन में सेवा करो, बस काम पूरा हुआ, बाकी चीज नोट्स वगैरह वो सब मत बताओ, ये माइक से हमको डर लगता है। बीस लोगों के साथ एक कमरे में रहना सबसे महान पुरुषार्थ है ब्राह्मण जीवन का,
सारा ज्ञान योग दाव पे लगाना पड़ेगा, सारी पॉइंट्स, सारी शक्तियां, अष्ट शक्तियां, 16 कलाएं, 36 गुण, उसके बाद में भी पता नहीं होगा कि नहीं होगा। कोई आता है और हम सो रहे उधर से बाथरूम में आवाज करता है, उसकी ये शुभ भावना है कि ये लोग उठ जाए मेरे साथ 2 बजे, जैसे मैं उठता हूं, जैसे मैं तीव्र पुरुषार्थी हूं, ये क्यों नहीं है? एक एक के बेड पर जाकर उनको दृष्टि देते, उठ 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 उठ, जल्दी उठ जाओ बाबा, इनको उठाओ। वन वन की काठी, एक के संस्कार ना मिले दूसरे से। इस स्टेज पर स्टेज, अलग अलग स्टेजेस मिलेगी, कभी बहुत अच्छे लोग मिले, अच्छी स्टेज होगी, कभी अच्छी स्टेज नहीं होगी, कभी ऐसे संग मिलेगा जो बिल्कुल ही पुरुषार्थ नहीं करते, कभी कभी तीव्र पुरुषार्थियों का संग मिलेगा, कभी कुछ मिलेगा, कभी कुछ मिलेगा, जो भी मिले ये स्टेज जो कुछ है, नथिंग न्यू, नथिंग न्यू। उसके बाद में डेट और टाइम, इसमें भी नथिंग न्यू। समय, ये ऐसा समय क्यों आ गया? हर ड्रामा की एक डेट होती है और एक टाइम होता है। इसको एक दूसरे अर्थ से लिया जा सकता है कि यहां पर कोई भी समय को देखकर और कोई भी डेट को देखकर आश्चर्यचकित नहीं होना है। ये भी समय आएगा, वो भी समय आएगा। आज की मूर्ति में था, सबसे स्वीट समय कौन सा है? संगम युग, पुरुषोत्तम संगम युग का, कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग, यही सबसे स्वीट समय। यही तुम याद की यात्रा करते हो, और ये याद की यात्रा क्या करती है? बाकी सभी यात्राओं से छुड़ा देती है। आज है ना सुबह की मुरली में, तो कोई भी समय को देखकर आश्चर्यचकित नहीं होना है, ना अपने ना दूसरों के। किसी का भी बहुत अच्छा समय चल रहा है, थोड़ी देर के बाद समय बदल जाएगा। जैसे एक आश्रम में एक शिष्य नया नया आता है, ध्यान करता है, गुरु के पास जाता है, कहता है कि मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं होता, यहां बहुत मच्छर है, क्या करूं, योग करूं कि मच्छर? इस देश में मच्छरों ने बहुत तंग किया है ध्यानियों को, द्वापर से। वो कहता है कि नहीं नहीं, मेरा तो बिल्कुल योग नहीं लगता है। गुरु कहता है कुछ नहीं, ये भी बीत जाएगा, चलने दो। कुछ समय के बाद फिर उसका ठीक ठाक हो जाता है, मच्छर परेशान नहीं करते। वो जाता है, कहता है अभी सब ठीक है, अभी अच्छे से हो रहा है। गुरु कहता है ये भी बीत जाएगा, वो भी बीत जाएगा, तो ये भी बीत जाएगा, ना वो परमानेंट था ये, ना ये परमानेंट है। तो समय नथिंग न्यू, ऐसा समय हमारे साथ क्यों आ गया? कल की मुरली में था ना, टीचर से मुलाकात, शिकायत करते हैं, ऐसा मेरे साथ क्यों होता है, ऐसी दशा, ऐसी दिशा क्यों आ गई? वो भी सही था, ये भी सही है, वो भी समय, उस वो भी समय की बलिहारी, अब भी समय की बलिहारी। वो दिन कितने प्यारे थे और ये दिन भी कितने प्यारे हैं। वो मिलना भी प्यारा था, ये बिछड़ना भी प्यारा है। वो योग भी प्यारा था, ये वियोग भी प्यारा है। आत्माओं का आना भी प्यारा है और जाना भी प्यारा है। इसलिए दुखी नहीं होना है यहां पर। उसके बाद में अगला डांस, ये जो स्टेज है ना, ये जो ड्रामा है, इसमें डांस होती रहती है। आज क्या है मधुबन में? गरबा है आज मधुबन में, आंगन में पांडव भवन के। नथिंग न्यू, ये लोग ऐसे क्यों डांस करते हैं? ये दो लोग ठीक करते, वो जो पीछे वाला है ना, वो ठीक नहीं है, इसका डांस ठीक नहीं, उसका डांस ठीक है। हाँ ये अच्छा डांस करता है, वो क्यों नहीं करता? इसने प्रैक्टिस शायद कम की है। गाने में आएंगे अगली पॉइंट, अभी डांस चालू है। तो किसी का भी डांस देखने के बाद क्या हो? नथिंग न्यू,
हर एक परफेक्ट ही डांस करे ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करना है। हम जैसे कितनी अच्छी सेवा करते हैं, ये नए लोग क्यों नहीं कर पाते ऐसी, हमारे अंदर कितना समर्पण भाव था, इनमें इतना कम ऐसा क्यों नहीं है, हम कितना पुरुषार्थ करते, ये लोग क्यों नहीं करते। हर एक वैसा ही डांस करेगा जितना उसको आता है, क्या करेगा, क्या डांटोगे उसको, जबरदस्ती करोगे। ये पानी बहुत अच्छा है, सबने पीना चाहिए। वो घोड़ा कहता है मैं नहीं पीऊंगा, हम कहते कैसे नहीं पिएगा, चल तुमको लेके चलते, जबरदस्ती लेके जाओ, पिला सकते हो क्या किसी घोड़े को पानी जबरदस्ती। हमने कहा हमको अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हुआ सुबह 2 बजे अमृत वाला उठ के, तुमको भी बिल्कुल मैं करा के छोड़ूंगा। नहीं होगा। अरे एक वैसा ही डांस करेगा जिसका उसने अभ्यास किया है, जितना उसको आता है, हर एक वैसी ही सेवा करेगा। हमको दिख रहा है बहुत गलतियां कर रहा है, हम सिखा सकते हैं, परंतु कितना स्वयं को परफेक्ट बनाना, कुशल निपुण बनाना, यह हर एक आत्मा पर है। इसके लिए उनके गलत डांस को देखकर खुद डिस्टर्ब नहीं होना है। हमारा पति ठीक से डांस क्यों नहीं करता है, इसको भी ठीक से डांस करना आना चाहिए। हमारे बेटे ठीक से डांस नहीं करते, इनको क्या करें। हर एक सोचता है माता मेरी कन्या सेंटर पर चली जाए, दीदी बन जाए, सम्मान समारोह हो जाए, दीदी बैठी हुई है और मुरली सुना रही है, आहा हा हा, कितना उसको आनंद है। और भावी दीदी अपने स्वप्न के सौदागर को तो सोच रही है कब आएगा मुझे लेके जाने घोड़े पर सवार। मां स्वप्न सजा रही है सेवा केंद्र के, और बेटी इंतजार है उसका कब आएगा, दिशा ही गलत है। किसी को जबरदस्ती ब्रह्मा कुमार और कुमारी नहीं बनाया जा सकता, जिसको जो बनना है वही बनेगा। नीचे शांतिवन में एक भाई है, उसने अपने लौकिक भाई को बुलाया, 3 दिन उसको जो भी मिलता था आत्मा परमात्मा आत्मा परमात्मा आत्मा परमात्मा, 4th दिन से वो बाहर ही नहीं आया, अंदर ही नहीं आया, शांतिवन के बाहर ही घूमता रहा सुबह से शाम तक, क्योंकि अंदर गए कि जो भी मिलता था पकड़कर आत्मा परमात्मा आत्मा परमात्मा आत्मा परमात्मा पकड़ पकड़ के। ऐसा भी नहीं कि तुमने अभी वहां से सुन के आया, सुना होगा अब हम सुनाएंगे पूरा सृष्टि चक्र, आत्मा परमात्मा 3 लोक परम धाम संगम युग ब्रह्मचर्य। बेचारा डर के मारे अंदर ही नहीं आया, सुबह बाहर जाता था उधर ही घूमते रहता था, शाम को सीधा सोने और भोजन के लिए बीच बीच में आता था बस। तो दुखी नहीं होना है, ये क्यों नहीं ज्ञान में आ रहा है। हर एक कबाड़ अपना है, समय से पहले ना भाग्य से ज्यादा बोलो किसने पाया है। समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलेगा, और जिसका जितना भाग्य है बस उतना ही मिलेगा। जिस दिन भाग्य पूरा, आत्मा यज्ञ से बाहर। तो डांस, उसके बाद में ड्रेस, हर एक का ड्रेस अपना अपना है, नथिंग न्यू। किसी ने स्वमान का ड्रेस पहना है, किसी ने अहंकार का, किसी ने घृणा का ड्रेस पहन के घूम रहा है, किसी कोई गंदा ड्रेस पहन के घूम रहा है, कोई चमड़ी वाला ड्रेस पहन के घूम रहा है, कोई दाग वाला ड्रेस पहन के घूम रहा है, कोई मैला ड्रेस पहन के घूम रहा है, कोई खून के दब्बे वाला ड्रेस पहन के घूम रहा है। 5 प्रकार के ड्रेस, अव्यक्तवाणी है ना पूरी। तो क्या दुखी हो जाए, हर एक का ड्रेस अपना अपना है।
नथिंग न्यू, ये वैरायटी ड्रामा है. सब एक ही ड्रेस पहन के रहे तो कैसा लगेगा पार्टी में? अच्छा लगेगा पार्टी में? बर्थडे पार्टी है, सब रंग बिरंगी अलग अलग कपड़े पहन के, तभी तो मजा है. ये ड्रामा विविधता पूर्ण है, मल्टी वेरिगेटेड, मल्टी कलर ड्रामा है ये. ये ब्लैक एंड व्हाइट ड्रामा थोड़ी ना है 1940s और 50s का, ये मॉडर्न ड्रामा है, लेटेस्ट है, जिसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज की गई है. इसमें हर एक रंग बिरंगी ड्रेस पहन के है, लेटेस्ट फैशन है. इसके लिए किसी का ड्रेस देखकर आश्चर्यचकित नहीं होना है, ये ऐसे क्यों करते हैं, क्यों क्रोध करते हैं ब्राह्मण बनने के बाद भी, क्यों इनसे आलस अब तक निकला नहीं है. ये वैसे ही है, क्या कर सकते हैं, जब इनका टाइम आएगा तब जागेंगे. तुम क्यों उदास होते हो? कबीर उदास हो जाता था जब भी देखता था उसकी झोपड़ी के सामने कौन है, वो बूचर कसाई, कितना पाप का काम कर रहा है. गलकटियन को देख कबीरा रोया, रोता है उसको देखकर. जो करेगा सो आएगा, तू क्यों भय उदास, तू क्यों दुखी हो रहा है उसको देखकर. वो उसका कर्म है, वो जो करेगा वो पाएगा. यहां जो जो कर रहा है कोई नहीं छूटने वाला, कर्म का हिसाब बहुत सूक्ष्म है. कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी तो तसफल शाखा. कर्म प्रधान कर रखा है राम ने, कर्म जिसके जैसे कर्म है उसको वैसा फल मिलते रहेगा. हमें किसी के कर्म फिलॉसफी में, किसी के कर्म बंधन में इंटरफियर नहीं करना है. जिसने जो किया है, जितना छुप के पाप किए है, छुप के उतनी ही सजा भी मिलेगी. क्या कोई छूट जाएगा? इस अदालत में छूट सकता है, पर इससे परे एक और अदालत भी है, जमीर की अदालत है, खुदा की अदालत है. उससे कौन छूटेगा? नहीं छूट सकता कोई. उसके बाद में स्क्रिप्ट, इस ड्रामा की जो स्टोरी है, नथिंग न्यू. या दुखी होते हो, ये स्क्रिप्ट से निकाल दो, ये सीता को नहीं चुराना चाहिए था रावण ने, बहुत दर्द हुआ हमको, राम जी इतने अच्छे, सीता जी इतनी अच्छी, लक्ष्मण जी वापस आ जाने चाहिए थे, ये वाली सीन क्यों आ गई बीच में. ऐसी कोई मूवी चलती है क्या जिसमें सभी ठीक ठाक ही है, लास्ट शुरुआत से अंत तक कोई विलन एंट्री नहीं कर रहा है, देखने वाले देखते अभी ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है, इंटरव्यू हो, इंटरवल हो गया, अभी तक कुछ भी हलचल नहीं हुई, सोचते कुछ तो हो, और लास्ट तक मूवी ठीक ठाक वैसी ही चली. बाद में कोई जाएगा? हलचल चाहिए मूवी में, विलन आना चाहिए एंट्री. रावण जब आता है तो एकदम से खुशी हो जाती है, हाँ अभी कुछ होगा, अभी एक्साइटमेंट, क्लाइमैक्स, कुछ तो नया. आराम से बैठे, अमृत वेला भी ठीक चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई हलचल ही नहीं. कोई तो आए टांग खींचे, कुछ तो करे, कुछ तो करे, थोड़ी हलचल हो फिर मजा आता है. कोई कुछ बोल दे तो, कोई बताए तुम्हारे बारे में हमने ऐसा सुना, लोग ऐसा ऐसा बोलते हैं. तो इस ड्रामा की जो स्क्रिप्ट है, जो स्टोरी है, स्टोरी लाइन है, जो प्लॉट है, उसमें भी नथिंग न्यू, कोई आश्चर्य नहीं. उसके बाद में अगला सीन्स, दृश्य, अलग अलग दृश्य है, कभी हार है कभी जीत है, कभी अपनों से धोखा है, कभी मिलना है कभी जुदाई है, कभी बीमारी है, शरीर की बीमारी अचानक क्यों आ गई मुझे, अचानक पैर फ्रैक्चर, हमें तो बहुत सेवा करनी थी, अचानक कैंसर, अचानक कुछ, कहां से आ गई ये बीमारी. जो भी आई, जैसी भी आई, क्या करो. लास्ट संडे की मुरली में क्या था, डॉक्टर क्या कहे, देखकर खुश हो जाए, तन मन धन समय सब सफल करो,
तन को भी सफल करो। तो अलग अलग सीन इस ड्रामा में जो आ रहे, अभी वर्तमान में अपने ही जीवन के सारे सीन देखे, क्या क्या दिख रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है कि नहीं है सीन। उसके बाद में पर्दा, पर्दा गिरता है, पर्दा उठता है, पर्दा गिरता है, एंड होता है, स्टार्ट होता है। ये हिसाब किताब अब क्यों स्टार्ट हो गया है? और वो वाला खत्म हो गया क्या? नथिंग न्यू। इस पर्दे को देखकर भी नथिंग न्यू, पर्दे का गिरना, क्योंकि ड्रामा है, इसमें आश्चर्य किस बात का। उसके बाद में है गाना, म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक, तीनों एक साथ। इस मूवी के गाने कैसे है? बहुत बढ़िया। और हमारा गाना कौन सा है? ब्राह्मणों का वाह वाह के गीत है। बीमारी आ गई, वाह बीमारी वाह। हिसाब किताब आ गया, वाह बीमारी हिसाब किताब। घुटनों में दर्द, आहा हा हा क्या दर्द है घुटनों का, वाह घुटनों का दर्द वाह। आंखों से दिखाई नहीं देता है, वाह अंधेरा वाह। कानों से सुनाई नहीं देता है, क्या सुनना है दुनिया में, बहुत हो गया सुन सुन के। दांत गिर गए, कितना तो खाया, पेट भरा क्या आज तक किसका। हर चीज में वाह वाह वाह। कोई धोखा देके चला गया, बहुत अच्छा। कोई धोखा देने वाला है, वो भी बहुत अच्छा। कोई अचानक दोस्त दुश्मन था, मित्र बन गया, अच्छा ही है। दुश्मन था दोस्त बन गया, दोस्त था दुश्मन बन गया, सब कुछ वाह 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 के गीत गाते रहो। कुछ भी होने दो, कुछ भी, हम अपनी मस्ती में रहे। टीचर्स को क्या कहा भावने में, तुम मेरे कौन हो? फ्रेंड्स। तो दोस्ती में क्या होती है? मस्ती। जहां दोस्ती वहां मस्ती। तो भगवान से दोस्ती की है ये रूहानी मस्ती है। इसी नशे में रहना, दुखी नहीं होना, बस रोना नहीं। भगवान को रोने वाले बच्चे पसंद नहीं है। पति जिंदा है और रो रहे, विधवा। तो गीत अच्छा, कभी दर्द भरे गीत भी बजेंगे। उदासी भरे दिन कभी तो मिटेंगे, कभी अंधेरे। तो चाहे कैसे भी गीत बजे, परिस्थिति या कोई भी गीत नगमे गाए, हम डिस्टर्ब ना हो। पहले से मन को समझा देना, ये ड्रामा ऐसा बना हुआ है, इसमें ये सारी चीजें होने वाली है। ड्रामा का नाम क्या है? खूने ना है खेल, ऐसा नाम है। किसी मूवी का नाम है मर्डर, अंदर जाए प्यार ही प्यार चल रहा है, हो गया मर्डर, तो दिखाई नहीं, कैसी मूवी थी, धोखा दे दिया। इस मूवी का नाम ही है खूने ना है खेल। यहां पर खून बहेगा, रक्त की नदियां बहेगी, तभी तो नाम सार्थक होगा। नहीं तो कहेंगे ये डायरेक्टर ने धोखा दे दिया, फिल्म वालों ने नाम कुछ रखा और कुछ और दिखा दिया। इसका तो नाम ही वही है, यहां रक्त की नदियां बने बहेगी, मौत का बाजार गर्म होगा, यहां अपने पराये हो जाएंगे, सब होगा। इधर बताने के लिए कितना आसान है उतना जब होता है तो अनुभव करने के लिए उतनी दर्द होता है, परंतु अपने आप को डिटैच रखना है। यह कहने के लिए बहुत आसान है, डिटैच रखो। और जो जितना अटैच है उतना और जोर से कहता है, डिटैच डिटैच डिटैच। ऐसा तो इस पर एकांत में चिंतन करना है। ये ड्रामा दृश्य यहां हम है वहां वो चालू है। उसके बाद में प्रकृति, इस ड्रामा में इस मूवी में जो प्राकृतिक दृश्य दिखाया जा रहा है या प्राकृतिक सौंदर्य दिखाया जा रहा है, वो भी नथिंग न्यू। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, वो वाला ऐसा था अभी ये ऐसा है। उसके बाद में है लाइट्स, ये जो लाइट्स होते हैं ना मूवी में, लाइट्स होते फ्लैश लाइट्स, वो भी नथिंग न्यू। कहीं अंधेरे है, कहीं डल लाइट, कहीं वो क्या कहते हैं उसको, डिस्को, अलग 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 लाइट, कहीं एक ही लाइट, कहीं डिम लाइट, कहीं कुछ दिखता नहीं है, कहीं कुछ दिखता है,
कहीं है ही नहीं, पूरा घटाटोप अंधकार। वो भी स्वीकार, ये भी स्वीकार, ये भी स्वीकार, ये भी स्वीकार। इस ड्रामा में जो भी लाइटिंग सिस्टम है उसके प्रति कोई कंप्लेंट नहीं है, वो भी नथिंग न्यू। उसके बाद में रिहर्सल, 15वीं पॉइंट रिहर्सल। इन्होंने प्रैक्टिस कम की, रिहर्सल में भी नथिंग न्यू, कोई नथिंग, कोई भी आश्चर्य नहीं है। इनको जितना आता है उन्होंने उतनी प्रैक्टिस की है। और लास्ट रिसेप्शन, रिसेप्शन एट दी, वो मूवीज में होता है बॉक्स ऑफिस। लोगों ने इसको क्या कहा इस मूवी के बारे में, कितना रेटिंग की, 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार, ब्लॉकबस्टर, क्या हुआ? कभी कभी बहुत चलता है, बहुत तारीफ होती है, और कभी कभी एकदम फ्लॉप, फ्लॉप हो जाए तो भी नथिंग न्यू। जीवन में जो हमने कुछ सेवा की उसकी बहुत ज्यादा तारीफ हो जाए, बहुत खुशी, और एक सेवा की और सब लोग निंदा कर रहे, कौन, तुम ही थे क्या वो करने वाले? तुम्हारा ही प्लान था शायद ना वहां प्रोग्राम करने का। अब अगली बार मत बताना नई आइडिया। तो सारे सीन्स इस ड्रामा में जो कुछ हो रहा है कुछ भी नया नहीं है, सब वही पुराना है। और नथिंग न्यू का पार्ट पक्का, ऐसी 16 बातें है ये, नथिंग न्यू का पार्ट पक्का करने से क्या क्या फायदे होते हैं? अब ये उत्तर आप बताओ। खुशी, अगला फुल स्टॉप, फटाफट लग जाएगा। अगला बाबा से कनेक्शन बहुत फास्ट जुड़ जाएगा, और पुरुषार्थ की स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि हमें कुछ आश्चर्य नहीं हो रहा है, ये ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों करते हैं लोग, ये बहुत खराब लोग हैं, हम नहीं बात करेंगे इनसे, जाओ हमारी कट्टी। अपसेट, दुखी, उदास, मूड ऑफ, मूड ऑफ के गर्म आंसू, एक मुरली में था बच्चे मूड ऑफ के गर्म आंसू बहाते हैं, छुई मुई। और नथिंग न्यू पार्ट पक्का करने से क्या होगा? लाइट होगा, बहुत हल्कापन रहेगा, क्योंकि आश्चर्य नहीं है कुछ भी, पहले से तैयारी थी ऐसा होगा, हमको पहले से किसी ने बता दिया गया था, वहां जाओगे ना तुमको ये देखने को मिलेगा, हम गए हमने देखा, भले पहली बार गया पर पहले से किसी ने बता के रखा था वहां ये चीजें होगी। अगर दुर्योधन को पहले ही बता दिया होता कि तुम वहां जाओगे ना ये दिखेगा ये दिखेगा ये दिखेगा, तो महाभारत ही नहीं हुआ होता, और उसको पता नहीं था, वो वैसे ही घुस गया और फिर गिरा। महाभारत खड़ा हो गया, तो हमको पहले ही पता चाहिए था, भगवान ने पहले ही बताया जिस मार्ग से तुम जा रहे हो ना, यहां सांप, मगरमच्छ, आग, वो दीवार, वो चित्र है ना हमारा राजयोग वाला, स्वर्ग की ओर उधर सबसे पहले क्या आता है? काम, आग, क्रोध, काटे, पहले काटे, फिर क्रोध, आग, फिर लोभ, धन, फिर मोह, वो मां, और फिर अहंकार, और फिर जो सबसे चढ़ के आते वो उधर। जैसे ये यहां वो है और यहां वो स्वर्ग का चित्र है। एक मास्टर जी कहते हैं कि ये देखो कैसे जाएंगे यहां तक, ये इतनी सारी चीजें पार करनी, वो क्या करता है एक चित्र निकलता है सीधा यहां से यहां जोड़ देता है ये इधर से सीधा, इधर से जाना ही नहीं, इधर से सीधा इधर ऊपर। और क्या होगा नथिंग न्यू का पार्ट पक्का करने से? उमंग उत्साह रहेगा नथिंग न्यू का पार्ट करने पर, समय, ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नहीं तो परिस्थिति आने के बाद दिन रात परिस्थिति का चिंतन, बाबा के सामने परिस्थिति का कितनी बार वर्णन करते, बाबा कहेंगे एक ही स्टोरी कितनी बार सुनाओगे मुझे, सुबह भी सुनाया था, लेटर में भी देते हो, ब्लॉक कर देगा वो, बार बार सुना दोगे उसको तो ग्रुप से बाहर, गॉड्स ग्रुप से बाहर। एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा है, माया अटैक करे तो डबल लॉक लगाओ, गोदरेज का नहीं गॉड का लॉक लगाओ, गोदरेज का नहीं गॉड का लॉक लगाओ, गॉड्स लॉक। और नथिंग न्यू का पार्ट पक्का करने से बुद्धि स्थिर रहेगी, टाइम वेस्ट नहीं होगा, बाबा से कनेक्शन जुड़ेगा, हल्कापन रहेगा, उमंग उत्साह रहेगा, पुरुषार्थ की स्पीड बढ़ेगी, खुशी रहेगी, सहनशीलता, सहनशीलता, नाचते रहेंगे गाते रहेंगे,
लक्ष्य बहुत अच्छा ही दिखाई देगा और अचल अडोल रहेंगे, एकदम स्थिर रहेंगे, क्योंकि पहले से प्रिपेयर करके रखा है मन को, पहले से पता है यहां जाते ही ये कुछ ना कुछ कहने वाला है। मुरली क्लास पूरी हुई, मुरली में सुना कांटों का जंगल है, निकलते ही कांटे लेके दो खड़े है कोई चुबाने के लिए, कमरे में गए कांटे लेने चुरे, यहां से गए घर लौकिक, यहां एकदम खुशी खुशी मधुमन मधुमन बाबा बाबा बाबा, घर पहुंचते ही सब कांटे लेके खड़े है चुपाना चालू, ऑफिस में पहुंचते ही तीन चार लोग कांटे वहां चुबाते है, आते समय तीन चार लोग चुबाते है, बीच में चुबाते है, पहले से ही पता है ना, पर भगवान ने तो बता दिया ना कांटों का जंगल है, यहाँ के फूलों से स्वागत करेंगे तुम्हारा, कांटों के जंगल में बंदरों को देखने जाऊं, बाप को कहते हमारे शहर में चलो, बाप कहते क्या कांटों के जंगल में बंदरों के देखने जाऊं क्या मैं, ये बंदरों की दुनिया है, उछल कूद करते रहते हैं सब यहां। और अचल नथिंग न्यू से एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगी, और परिपक्व बनेंगे, मैच्योरिटी आएगी, रूहानी मस्ती में रहेंगे, समझ रहेगी, अलर्ट रहेंगे, एनर्जी वेस्ट नहीं जाएगी, और सर्व संबंधों की अनुभूति करते हैं, योग अच्छा हो जाएगा, ज्ञान का चिंतन अच्छा हो जाएगा, स्थिति अच्छी हो जाएगी, सेवा भी अच्छी हो जाएगी, कम से कम डिस्टर्बेंस होगा, रोना बंद हो जाएगा। कौन कौन रोया एक मास में, मन में हाथ खड़ा करना, मन में हाथ, मन का हाथ, तो नथिंग न्यू। तो कितनी बातें बताई, 16। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, कौन कौन देखकर अचरडोल रहना है, किस किस को देखकर, सबसे पहले एक्टर्स को देखकर, कुछ भी नथिंग नहीं, जो कर रहा है बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, अपमान कर रहा है करो करो, हिसाब चुप तो हो रहे हमारे, कर लो जितना अपमान करना है, जितना मन में है सब निकाल लो भड़ास। दूसरा बैकग्राउंड, जो बैकग्राउंड है बहुत अच्छा। तीसरा भाषा, बहुत अच्छा। उसके बाद में चौथा स्टेज, बहुत अच्छा। उसके बाद में अगला डेट और टाइम, बहुत अच्छा। उसके बाद में डांस, बहुत अच्छा। उसके बाद में ड्रेस, बहुत अच्छा। उसके बाद में स्क्रिप्ट, बहुत अच्छी। उसके बाद में सीन्स, बहुत अच्छे। उसके बाद में म्यूजिक, गाना, बहुत अच्छा। उसके बाद में पर्दा, बहुत अच्छा। उसके बाद में नथिंग न्यू, लाइट्स, नथिंग न्यू। उसके बाद में रिहर्सल, नथिंग न्यू। और लास्ट रिसेप्शन एट द बॉक्स ऑफिस, जिसको कहते हैं, या जिसको कहते हैं पब्लिक ओपिनियन क्या रही। तो कभी पब्लिक कितनी भी अच्छी चीज हुई उसको एकदम फ्लॉप कहती है, और कोई अच्छी नहीं उसको भी प्राइस बेस मिल जाता है, उनके ऊपर थोड़ी ना जाना है। ये बाबा की भी वीडियो होती है, उसमें भी डिसलाइक होते हैं, अव्यक्त मुरली उसमें 50 डिसलाइक। अब भगवान को बुरा लगेगा, मेरा, मैं भगवान, मुझे डिसलाइक करते, जाओ हम नहीं बात करेंगे, अगली बार से मुरली नहीं चलाऊंगा, जाओ। मैं, अरे मैं भगवान हूं, मैं कोई तुम्हारे जैसा मनुष्य थोड़ी ना हूं, मेरी आवाज कितने पावरफुल आवाज है मेरी, तुम्हारे जैसे थोड़ी ना फटाफट, कितना धीरे धीरे बोलता हूं, बहुत एकदम तोल मोल के बोलता हूं शब्द शब्द, और मुझे डिसलाइक। तो भगवान थोड़ी ना डिस्टर्ब होता है, वो कोई भी चीज से डिस्टर्ब नहीं होता है, इतना उसमें साक्षी का सागर है, वो इतना कूट कूट के साक्षी भाव भरा हुआ है। 3 साल से तो आया नहीं है, हम लटके हैं बीच में। तो चाहे कोई खुश हो चाहे गालियां हजार दे, मस्त राम बन के जिंदगी के दिन गुजार दे, भाव अगर बढ़ भी बढ़ा भी डाले सेठ, यार गम न कर, खाए जो मजे के साथ जब तलक उधार दे,
बांट कर जो खाए उस पे अपनी जानो दिल लुटा, अरे जो बचाए माल उसको जूतियों का हार दे, चाहे कोई खुश हो चाहे गालियां हजार दे, मस्त राम बन के जिंदगी के दिन गुजार दे। ओम शांति। चाहे कोई खुश हो चाहे गालियां हजार दे, मस्त राम बन के जिंदगी के दिन गुजार दे। चाहे कोई खुश हो चाहे गालियां हजार दे, अरे मस्त राम बन के जिंदगी के दिन गुजार दे। चाहे कोई खुश हो चाहे गालियां हजार दे, अरे मस्त राम बन के जिंदगी के दिन गुजार दे। के दांत ली करूं तो मुझको जेल भेज दो, चाहे गालियां हजार दे, अरे मस्त राम बन के जिंदगी के दिन गुजार दे।